जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूँ आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू हो सकता है कल के लिए। कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसको हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया वेक्स 12 के नीचे आने की तैयारी कर रहा है, तो उससे हम लोग क्या जो है वो एक क्यू लेके चल सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर हम आज के दिन ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं तो ग्लोबल फ्यूचर्स अगर आप देखो, डाओ 130 पॉइंट ऊपर, नैसडेक 125 पॉइंट ऊपर जो है वो दिखाई दे रहा है, यूरोप आधा परसेंट ऊपर दिखाई दे रहा है, यूरोप बंद है ये चीज़ जो है आज ईस्टर के मौके पर। बाकी अगर हम देखें एशिया मार्केट्स में तो 25% नीचे निकेई है और जो कॉस्पी है वहाँ पे फ्लैटिश से नेगेटिव कारोबार हो रहा है। तो आज तो एक तो यूरोपियन मार्केट्स बंद थे, पहला उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आज के प्राइस एक्शन पे हमें डेफिनेटली देखने को मिला है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और सामने निकल के आई है कि आज जो है वो सेटलमेंट हॉलीडे है, मतलब अगर आपने थर्सडे को कोई प्रॉफिट किया है, थर्सडे को मंथली एक्सपायरी पे, ईयरली एक्सपायरी पे, फाइनेंशियल ईयर एक्सपायरी पे आपका कोई सौदा कटा है, उसका जो फंड है वो अभी तक आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें दिखा नहीं होगा, विड्रॉ जो है आपको नहीं दिखा होगा, विड्रॉएबल होगा कुछ ब्रोकर्स में बट कुछ में तो विड्रॉएबल भी नहीं होगा और साथ ही में आप ट्रेडेबल तो वो जो फंड है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया होगा, पोजीशंस को हल्का किया होगा, पोजीशंस को चेंज किया होगा और बहुत सारे ट्रेडर्स के पास ये समस्या है कि भाई आज सेटलमेंट हॉलीडे आ गया तो इस वजह से वो फंड हमारे अकाउंट में ट्रेडेबल फंड नहीं है। तो ये भी एक चीज़ हमें डेफिनेटली देखने को मिली एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न आज जो है इतना ज़्यादा साइडवेज दिन, पहला दिन फाइनेंशियल ईयर का और इतना लैक लस्टर देखने को मिला। ठीक है, तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम बहुत बार प्राइस एक्शन में डिस्कस करते हैं, जनरली जब फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है ये बाइंग साइड में ज़्यादातर काम करता है रादर देन सेलिंग साइड, क्योंकि सेलिंग साइड में अगर पहली कैंडल बड़ी बन भी जाती है तो या तो तब होता है जब मार्केट ज़्यादा गैप डाउन ना खुले या फिर कोई पैनिक न्यूज़ हो। ठीक है, बट बाइंग साइड में 5 मिनट की कैंडल अगर उसका साइज़ जो है एबनॉर्मल होता है, अगर आप आज की 5 मिनट कैंडल का साइज़ देखें तो 70 पॉइंट की अगर 5 मिनट की एक कैंडल बन रही है पहली, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि मार्केट उस दिन साइडवेज जाने की जो है वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा रेंज स्क्वीज रहेगी शुरू में उतना ज़्यादा आगे चल के बाज़ार के लिए आसानी रहती है। ठीक है, एक और चीज़ इस चीज़ को लेकर मैंने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोर देन 94,000 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए अपडेट किया था अराउंड 12:30 के आसपास के निफ्टी के लिए डाउनसाइड जो है वो 380 और 410 है। जनरली लोग क्या सोचते हैं, जब निफ्टी गैप अप खुलता है और उसके बाद डेज लो अगर टूटने लगता है तो लोग उस पर शॉर्ट करने का अटेम्प्ट जो है वो करते हैं, बट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट जो स्विंग लेवल था आज के लिए वो ये वाला लेवल था। अगर इस स्विंग लेवल के नीचे निफ्टी आने लगता, जो इसने एक ब्रेकआउट दिया था अराउंड 1230 के आसपास, इस ब्रेकआउट को अगर ये फेलियर कर देता और 200 ईएमए के नीचे सस्टेन करने लगता तब कुछ हमें मोमेंटम मिलता डाउनसाइड का, और अपसाइड में तो फिक्स है, ऑल टाइम हाई के आसपास जो है वो क्या बोलते हैं घूम रहा है, ऑल टाइम हाई लगाया भी आज के दिन आई थिंक 22,532 के आसपास। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो जस्ट जो है ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया इसने, बट एक चीज़ क्लियर अभी भी दिखाई दे रही है कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है 22,530 से लेकर 22,550 तक, जब तक इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग 15 मिनट कैंडल क्लोज नहीं देता है तब तक आपको अपसाइड का मोमेंटम नहीं मिलेगा, वो थ्रस्ट जो अपने को चाहिए वो नहीं मिलेगा। हो सकता है गैप अप पे आपकी कॉल्स जो है वो प्रॉफिटेबल हो बट आप उसे होल्ड करके रखोगे तो शाम तक जो है वो सारे गेंस गिव अप कर देगा मार्केट, क्योंकि ये चीज़ क्लियरली दिख रही है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है, 380 के नीचे अगर ये बाजार चाहता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं,
ठीक है, शॉर्ट में एक ट्रेंड जो है हम लोगों को पॉसिबल दिखाई देता है। अगर 530 से 550 के ऊपर निकलता है तो लॉन्ग करेंगे, तो ये रेंज हमारे लिए निफ्टी के लिए क्लियर बन के आ रही है। ठीक है, बैंक्स की अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी अगर आप देखो सिमिलर केस है। पहली कैंडल 5 मिनट की बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई, लगभग 250 पॉइंट की अगर 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल बन रही है, 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल बन रही है, माफ़ कीजिएगा, तो यही दिक्कत होगी। 5 मिनट की कैंडल भी अगर आप देखते हो तो कोई फ़र्क नहीं है, 5 मिनट की कैंडल भी अगर आप देखो तो अराउंड 250 पॉइंट की बनी हुई है। तो 250 पॉइंट की जब अगर 5 मिनट की कैंडल बन जाती है तो उसके बाद ट्रेडर्स के पास जगह बहुत कम होती है मार्केट को ले जाने के लिए। अब बैंक निफ्टी ना परफेक्टली सेटअप है 47,550 ऊपर की साइड में और 47,350 ऑन द डाउन साइड में। ठीक है, 47,650 ऑन द अपसाइड, 47,350 ऑन द डाउन साइड, 300 पॉइंट की आपको बैंक्स ने रेंज बना के दे दी है। इस रेंज को जब बैंक्स तोड़ेंगे तब आपको ट्रेंडिंग मूव लेना है। ठीक है, तब आपको ट्रेंडिंग मूव के बारे में सोचना है, तब आप सोचना कि यार हाँ अब बाजार जो है वो ट्रेंड लेगा, इंडिया विक्स जो है वो 12 पे है, थोड़ा बढ़ेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज का जो 5 मिनट का लो है वो इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे भी वो प्राइस एक्शन रेलेवेंट रहता है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बाजार ने एक प्राइस एक्शन काइंड ऑफ बनाया था। ठीक है, तो इसी वजह से ये रेलेवेंस रहेगी। आज का जो 5 मिनट कैंडल का लो है 47,350 बहुत क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट रहेगा और ऊपर की साइड में 47,650 के आसपास। अगर मैं इंडिया विक्स को एक बार देखता हूँ ना और मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, इंडिया विक्स इस वक्त जो चल रहा है वो वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट पे चल रहा है अगर हम कैंडल वाइज देखें। देखो विक्स बन जाती हैं बट कैंडल वाइज अगर आप देखते हो, आई थिंक इंडिया विक्स इतना लो तब चला था जब लास्ट टाइम हम लोगों को ये अपसाइड का एक मोमेंटम आया था इलेक्शन से पहले, जो प्री इलेक्शन रैली बनी थी 5 राज्यों के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, उस एरिया के आसपास जो है इंडिया विक्स वापस आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रेंड पास है। अब जैसे जैसे ये डिले होता जाएगा, जो इंट्राडे मूव्स हैं वो डिले होते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेंड की, ट्रेंड की इंटेंसिटी की, ट्रेंड के जो बोलते हैं साइज़ की, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, बस ये हम लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम निफ्टी फाइनेंस अगर हम लगाते हैं, निफ्टी फाइनेंस भी सेम केस है। अगर आप सारी इंडेक्स को आज देखते हो तो बहुत ज़्यादा जो है रेंज में जो है वो आज के दिन कारोबार किया है, कुछ भी ट्रेंडेबल ट्रेडेबल मूव नहीं था। निफ्टी फाइनेंस को अगर हम देखते हैं तो सिमिलर केस है, पहली कैंडल ही अगर इतनी बड़ी बन जाएगी, निफ्टी हम 70 पॉइंट बोल रहे थे, निफ्टी फाइनेंस तो 130 पॉइंट की पहली 5 मिनट की कैंडल अगर बन गई तो उसके बाद तो ट्रेंड ही ख़त्म हो गया। जनरली इतनी लंबी जब 5 मिनट की कैंडल बन जाती है ऑन अ गैप अप, ठीक है, ऑन अ गैप अप, वहाँ पे जो है बुल्स रिस्क नहीं लेते क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत नीचे हो जाता है। तो हम लोग सिंपल स्ट्रैटेजी रखेंगे, 21,230 से 250 ये आपके लिए रेजिस्टेंस होगा निफ्टी फाइनेंस में। अगर इसके ऊपर आप निकलते हो तो अच्छा खासा एक अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। ऑन द डाउन साइड में 21,100 आज की कैंडल का लो बहुत क्रिटिकल है, 21,100 इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी फाइनेंस जाता है तो डाउनसाइड का एक ट्रेंडिंग मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं आज यूएस किधर जो है वो ओपनिंग देता है, उसके बाद क्या ट्रेंड बनता है, और जॉब्स डेटा से पहले जो फ्राइडे को आने वाली है उससे पहले बाजार किस ओर एक ब्रेकआउट देने की तैयारी करता है, अपसाइड या डाउनसाइड। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम।